शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आपके सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35 ए की धारा 370 को जम्मू कश्मीर में समाप्त करने के उपरांत भी हिंदुओं में कश्मीरी पंडितों की हत्या खुलेआम आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। आतंकी घटनाएं लगातार कश्मीर में बढ़ रही हैं। देश में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ने से देशवासियों में रोष है। एक माह के अंदर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा चुकी है एवं बीते दिन आतंकवादी द्वारा स्कूल में घुसकर हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की खुलेआम हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाओं से कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। वे पलायन कर रहे हैं, दहशत के माहौल में रोजी रोजगार और व्यापार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यह बात हिंदू समाज के लिए शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है कि कश्मीर में हिंदुओं की कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा एवं आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस मौके पर रीता पाल, डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक, दारा अली मलिक, अजय कुमार, तिलोक चंद्र दिवाकर, राशिद सैफी, अनिल बिश्नोई, श्याम सिंह सैनी, इशरत अली आदि तमाम आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना किया था, देखिए आज तो हमारे यहाँ पर आना हुआ है, नियम कार्यालय पर हम आए हैं सभी लोग, हमारे आम पार्टी की जितनी टीम है हम सब लोग के साथ आना हुआ है आज हमारे यहाँ। तो जो कश्मीर है, कश्मीर में सन 1990 से और अब तक जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको देख के इसका धंधा दिया गया है, धंधा प्रदेश कर रहा है हमने। तो सन 1990 में जो चल रहा था कश्मीरी पंडितों के साथ, वही आज हो रहा है उनके साथ। वही आतंकवादियों से उनको जो गोली मारी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, हमारे वहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस उपलक्ष में, इस संबंध में आज हमने डीएम कार्यालय पे धरना प्रदर्शन दिया। क्यों ज्ञापन दिया आपने? डीएम साहब को ज्ञापन दिया आपने? आप लोगों ने प्रश्न किया है? अभी आप लोग देख रहे होंगे विगत छह महीने से यही है, कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा वहाँ के स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर प्लान करके गोलीबारी की जा रही है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। गृह मंत्री महोदय हत्याओं को रोकने में असफल सिद्ध हो रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आतंकवादी सिर पर चढ़कर गोली मार रहे हैं। बैंक में घुस करके कर्मचारी की गोली मारी है, एक शिक्षिका को उसके घर में घुस के गोली मारी है। लगातार हिंदू ब्राह्मणों का वहाँ पर शोषण हो रहा है और गृह मंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि गृह मंत्री को चाहिए कि या तो इस्तीफा दें या वहाँ के हालात को कंट्रोल करने के लिए विशेष बल लगा करके वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें और वहाँ से पलायन रोकें। वहाँ पर 10,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से जम्मू के लिए पलायन कर चुके हैं जो रास्ते में है। इस तरीके से जो है आज़ाद देश में ये 1990 के बाद पहली घटना है 30 साल के बाद कि दोबारा फिर कश्मीर के पंडितों का पलायन हो रहा है। बीच में फिर भी स्थिति ठीक थी, आज जो है अपने आप को 56 इंच का सीना कहने वाले लोग क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ करके। मैं चाहता हूं कि उनका पलायन रोका जाए और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए जिससे भविष्य में किसी के साथ जो है ना इस तरीके का घटनाक्रम ना हो पाए।